अभी हम उपस्थित हैं राजधानी लखनऊ के इको गार्डन पार्क में, जहां पर ब्रिटिश के एक महीने से कंटिन्यू यहां पे छात्र हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित पांडे संघर्षी है। एक महीने से लगातार लखनऊ में कई जगहों पे SCRT इको गार्डन, एक महीने से हम लोग, हमारी 1000 की संख्या प्रतिदिन इधर उधर भटकती है, सिर्फ इसी मुद्दे पे कि योगी जी द्वारा ही वर्णित 30-33 कटाप, जिसपे सरकार न कोर्ट में काउंटर लगा रही है न 68,500 भर्ती को पूरा कर रही है। तो योगी जी से, उनके अधिकारियों से और उनके मंत्रियों से, उनके सभी नुमाइंदों से यही अनुरोध रहता है हम लोगों का कि सरकार 30-33 पे काउंटर लगाते हुए 68,500 भर्ती को पूरा करे, जिसमें सभी लोग का भला है, सबका साथ सबका विकास का नारा, क्यों वो सरकार अपने नारे से भटक रही है। अभी आप इको गार्डन लखनऊ में हैं, यहाँ पर कितने दिन से धरना चल रहा है? हमारा यहाँ 15 दिन से धरना चल रहा है। अभी तक शासन से कोई भी अधिकारी यहाँ कोई अधिकारी यहाँ नहीं आता। हम लोग स्वयं उनसे मिलने जाते हैं तो वो मिलने से भी नकार देते हैं, कहते हैं कि देखा जाएगा, सोचा जाएगा, समझा जाएगा। अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम लोग उग्र प्रदर्शन करेंगे, सड़क पर उतरेंगे और आत्मदाह का भी प्रयास करेंगे। कुछ महिलाएं भी हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहती हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम करिश्मा सिंह है, मैं 2014 की अभ्यर्थी हूँ। मैं बस इतना कहूँगी कि हमारे साथ धोखा हुआ है, सरकार ने हमें धोखा दिया है। 30-33 बोल के 2 महीने तक हमें पास घोषित करके अगले 3rd महीने में हमें फेल घोषित कर दिया है। हमें बस कैसे भी अपनी नौकरी वापस चाहिए जो हमसे छीनी गई है जानबूझकर। अगर हमें नौकरी नहीं देंगे तो हमें परमिशन दें कि हमें मौत दे दें। बस हम बस इतना चाहते हैं, या तो भर्ती या तो अर्थी। और इसके लिए कल उन्हें अच्छा सा देखने को मिलेगा कि हम लोग सिर्फ यहाँ पे बैठ के धरना देने के लिए नहीं है। जो ऐसे कमेंट्स आते हैं हमारे जैसे लोगों के लिए कि लोग मतलब नाकाबिल है तो धरना दे रहे हैं, तो सिर्फ धरना देने के लिए नहीं है, हम लोग अपनी पावर दिखा सकते हैं। वी आर स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स पावर बहुत ज़्यादा होती है। हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि हम एक तो नाकाबिल नहीं है, ऊपर से आपका ही आपकी गलत नीतियों का शिकार है। हमारे साथ धोखा हुआ है, वी ओनली वॉन्ट जस्टिस। थैंक यू। धरने में कहाँ कहाँ से आपके साथ? हमारे यहाँ 75 जिलों से लोग आए हुए हैं। 75 जिलों से लोग 15 दिन से लगातार यहाँ बैठे हुए हैं, भीग रहे हैं, बारिश हो रही है, आधों की तबीयत खराब हो रही है, फिर भी वहाँ बैठे हैं इस आस में कि शायद सरकार हमारी बात सुनेगी। लेकिन सरकार को हमसे कोई लेना देना नहीं है। अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती तो आपका अगला कदम क्या होगा? हम सब जाएंगे धरने पे बाहर, इस इको गार्डन जैसी जेल से बाहर निकलेंगे और सरकार को बताएंगे कि हमने बहुत शांतिपूर्वक आपका इंतजार किया, आप नहीं आए, इसलिए ये जो हमारा खौफनाक कदम है ये सिर्फ आपकी वजह से है। या तो हमें भर्ती दो या तो हमें अर्थी दो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? हम उनसे बस इतना ही कहना चाहेंगे कि सर आपने कहा था तो प्लीज़ अपनी बातों पे टिकिए। अगर आप सोचते हैं कि नहीं, अगर आप 30-33 में नाकाबिल शिक्षक भर्ती कर लेंगे तो आप कैसे कह सकते हैं कि अगली भर्ती में आप 30-33 में काबिल शिक्षक भर्ती कर लेंगे? आपके रोज बयान आ रहे हैं अगली 95,000 में शिक्षा मित्रों का साथ सबका साथ कट ऑफ पहले से ही कम रहेगी। तो जब पहले अगली भर्ती में आपके कट ऑफ 35 तक जाने की संभावनाएं हैं, आप 35 तक की प्लानिंग कर रहे हैं, तो वॉट अबाउट अस? हमारे बारे में क्या भैया, हम लोग 35 में कैसे नाकाबिल हो गए? हर बार के हिसाब से कॉम्पिटिशन बढ़ता है, तो हम तो बहुत अच्छे कॉम्पिटिटिव में आए हैं ना, तो हमें अभी चूज करो ना, हमें अगले 6 महीने और क्यों लटका के रखोगे? बस तनख्वाही बचाना चाहते हो?